पुरानो हिंदी पाठ 11 एक यात्रा यापी लेखक थे रामदर्श मिश्र। रामदर्श मिश्र उच्च कोटिना लेखक था। तेमने आ वार्ता रिक्शावाड़ा पर संबंधित थी लखी थी। रिक्शावाड़ा नाम मोहन हतु। आ पात्र जो वार्ता एटले याद रखो। मोटा भागे बड़ी बातचीत आना जीवन की घटनाओं ने लैने थी। तना जीवन में बनेली घटना थी अपने खबर पड़े कि कई रीते मात्र नारी सन्मान जो लेखों लखवा भाषणों करने कशू थत नहीं पर जीवन में व्यवहार में उतारव जीइए। मोहन ने स्त्री सन्मान स्त्री सुरक्षा ने तेनी साथ आत्मीय संबंधों ने पोता जीवन में खूब सारी रीते उतारिया था जेनी बात कर खूब सारी वार्ता है ध्यान से समझो। मैं बहुत यात्रा फिरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंटशंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह चिंता भी बनी होती है। कहते कि हूँ खूब ज यात्रा से डर तो हो कारण कि हमेशा ये डर रहते हो कि खबर नहीं केवा केवा लोगों साथे मुलाकात थशे ने तना थी तमने असहजता अनुभव थतो तो खास करीने जे मनमानी करीने जे रिक्शा भाड़ू मांगे ने तेवा रिक्शावाड़ा थी नवा शहर में केवा केवा प्रकारना लोग मळशे आ चिंता पर तमने सतत अने निरंतर रहया करती हती। इस पर एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। एक बार तमने डॉक्टर ने मळवा माटे ग्वालियर जवू पड़्यु हतु पण आ वखते तेमनी साथे तेमनी पत्नी हती एटले कहे छे के पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ती बनी हुई थी कि जो पत्नी जोड़े थी एटले आ वखते मने तसल्ली हती आश्वासन हतु के पत्नी जोड़े छे। स्टेशन पर उतरती ऑटो वाले पीछे पड़ गए। अनुभव बदन थयो छे रेलवे स्टेशन के बस स्टेशन थी जेवा बाहर निकलो एटले रिक्शावाड़ा पाछळ पड़ी गया। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे अने लेखक अने तेमना पत्नी छे ते आगळ वधता रह्या हता। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया अने जे नवयुवान हतो ऑटो वालो रिक्शावाड़ो ते जोड़े इन जोड़े जतो हतो। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे। आ लोग कशुं बोल्या वगर आगळ ज वधवा लाग्या। उसकी आवाज आई एनो अवाज आव्यो बाबू जी आप आखिर कहाँ जाएंगे जाएंगी और कोई ऑटो करेंगे तो फिर मेरा ही ऑटो क्यों नहीं कहे कि तमे क्या जा रहा छो क्यांक तो जशो ज ना तो पछी मारी ज रिक्षा में केम नहीं। उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी एनी जे जिद हती अने अवाज हतो एमां एवुं आकर्षण हतुं कि अमे तेने हा पाड़ी दीधी ने एटले तेमनी रिक्षा में बेसी गया। वो प्रेम भरी बातें करता रहा और हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। ये प्रेम भरी बातों करते हो तो ने हमने डॉक्टर ने त्यां पहुँचाड़ी दीधो। उसके द्वार बताए वांछित दिए पैसे देकर डॉक्टर से घर की कॉल बेल बजाई। कॉल बेल एटले डोर बेल। हाँ अँ कॉल बेल आप्यू छे डोर बेल छे एटले एने जे कीधा पैसा आ लोग आपी दीधा अने घर की जे डोर बेल हती ते वगाड़ी। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। खबर पड़ी कि जे डॉक्टर छे एमने तो पोतानुं जे क्लिनिक छे एनी जगह बदली काढ़ी हती। ऑटो वाला बिना हमारे कहीं हमारा इंतजार करा था अने जे रिक्शावाड़ो हतो आ लोगों कीधा वगर तमने राह जोतो हतो। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया ने हमने जिन नवी जगह थी डकनी त्या पहुंचाड़ी दी। तो मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ ले जारे पूछू कि कितना पैसा आपो बाबू जी जो इच्छा हो दे दीजिए लेके तो तुम्हारी जी इच्छा हो तो आप ही दोजो। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना कहते कि डॉक्टर थी यहाँ वालों भाड़ू है तो ऑलरेडी पे थी गयू है तो मैं आप दीधु एम एट पहली बार जो रिक्शा में बैठा था ये आटा में तो तुम आप दीधु एम। उसने पूछा बाबू जी यहाँ से कहाँ जाएंगे ले पूछे कि तुम यहाँ थी क्या जशो। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ यहाँ देर लग सकती है एट्ले पेला जो है लेखक एमने कीधु के आ होटल में रही है पर कीधु कि तू जतो रे अमारे तो वार लगते। वह कुछ बोला नहीं तेने कशू कीधु नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास गए घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। कलाक जो थे कलाक पची निकलया पची जोयू तो पेलो रिक्शावाड़ो त्यां उभो हतो। आ लोगों ने अनुभव थयो कि आ रिक्शावाड़ो बीजा जेवो नथी बीजाथी घणो अलग छे। वो अमारे भीतर घर करता गया अने तेमना हृदय में घर बनावतो गयो हतो रिक्शावाड़ो। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ। होटल पर छोड़ी ने पूछो कि तो पछी हूँ क्यारे आऊँ यानी एटले यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है लगी कि तमें शहर में हर्षो फरशो तो खरा ने तमारे ज्यां जवुं हशे त्यां हूँ लई जईश। तमे केटला दिवस सुधी अहींया छो अथवा केटला समय सुधी अहींया छो एटले कहे छे कल शताब्दी से लौटेंगे लगी जगह आवतीकाले शताब्दी थी घरे जईशुं एम तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ एटले कहे छे तमने फेरववा माटे क्यारे हूँ आवी जाऊँ। भाई आज तो था कि आराम करेंगे कल घूमेंगे एटले कहे छे कि आजे तो थाकी गया छे आराम करीशुं काले फरीशुं। ठीक है बाबू जी यह मेरा मोबाइल नंबर है मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। कहते कि हाँ बाबू जी वांधो नहीं मारो आ मोबाइल नंबर है तुम फोन कर मैंने बुला भी लो छो। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं कहते कि तारू नाम तो बतायू नहीं मोहन रिक्शावाड़ो कहे मोहन मोहन अच्छा नाम है एट पे कहते कि मोहन सारू नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया बीजा दिवस फरवा काम शुरू थे गयो। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया दिखा प्रेम से एक पची एक जगह दिखाड़ गयो।
मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा ने एमने बाबूजी कहते होने तेमनी पत्नी ने अम्मा कहते हो तो घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया के बदे फरी ने होटल में पाछा फरिया तो चा पीवा माटे तेने पण रूम में बोला भी लीधो तो बहुत संकोच के साथ आए थे घना संकोच ने साथ आयो चायपान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। चा पानी ने साथ घर की बड़ी बातचीत शुरू थी गई थी। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो एटले पूछे तू ग्वालियर नो छे नहीं अम्मा मैं मूलतः आगरा का हूँ कहे ना हूँ मूल तो आगरा नो छू यहाँ आना पड़ गया अहियाँ तो आवु पड़ू हतो हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया एमने लाग्यू कि आ कहता कहता थोड़ू गळू भराई गयू छे एटले लागणीशील थई गयू छे इसलिए चुप रहे एटले आ लोको चुप रह्या लेकिन वह स्वयं बोलने लगा पण ते जाते ज बोलवा लाग्यो आगरा में अपना घर है कि आगरा में मारू घर है माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए कि माँ बाप तो नानपण में ज मृत्यु पाम्या था बड़े भाई ने मेरी परवरिश की मोटा भाई मारी परवरिश करी है मने मोटो कर्यो छे भाई वकील है कहे कि मारो भाई है ते वकील है मैं भी बीए पास हूँ कहे हूँ पण बीए पास छू कोई नौकरी खोज रहा था कि हूँ नौकरी शोधतो हतो के आऊ कहीं अटकी जाए छे एक चुप्पी सी छा गई एक शांति छवाई गई ए बोली ना शक्यो मौन थई गयो हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है एटले अमने लाग्यु के अयोग्य घटना कई केनी साथे घटी छे जे ना इच्छता ही तेवी घटना एनी साथे बनी छे उसे छेड़ा नहीं एने छेड़ियो नहीं किंतु उसने फिर कहना शुरू किया एने कशु पूछू नहीं छता पण तेने जाते ज कहेवानुं शुरू करी दीधुं मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था हूँ नौकरी ने शोध में अहियाँ तैयार भटकतो हतो फरतो हतो एक दिन भटक कर लौट रहा था एक बार शोधी हूँ पाछो फरी रह्यो हतो कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई रास्ता में एक ओळखी थी छोकरी मिली गई बदहवासी घीघी आती हुई बोली मोहन मुझे बचा लो बदहवासी एटले एकदम व्याकुळ हती तेवी अने घीघियाना एटले करुण स्वर में प्रार्थना करना करुण स्वर में बोलवा लागी मोहन मने बचावी ले क्यों क्या हुआ केम शू थयुं मेरे माँ बाप एक आधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं कहते कि मारा माँ बाप है आधेड़ उम्रना एट्ले कि प्रौढ़ उम्रना 40-50 वर्ष की आसपास व्यक्ति हो तो तेने प्रौढ़ कहम है कि एटली उम्र की आसपास प्रौढ़ व्यक्ति साथ मैंने वेची रहा है मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊँगी खुसट एट अप्रिय व्यक्ति जैसे खुसट कहे हिंदी में कहे कि हूँ कूआ में मरी जाइ पड़ी ने पण ते अप्रिय व्यक्ति साथे प्रौढ़ साथे हूँ लग्न नहीं करूँ हूँ एना साथे नथी जवा मागती अँगड़ी वेचवानी बात है एटले कि भाई कहीं हूँ तेनी साथे नथी जवा मागती मैं बहुत असमंजस में पड़ गया ते घणो दुविधा में पड़ी गया कि हवे शू करूँ शू न करूँ एटले कहे कि क्या करूँ पर कर भी क्या सकता हूँ मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए एटले एने लगे कि मारे पोलिस स्टेशन जवू जोईए शू करी शकतो तो ए वहाँ उसे ले गया त्यां लई गयो और थानेदार से हकीकत बयान की अने जे हकीकत थी वास्तविकता थी ते बधुं पोलिस ने कही दीधुं वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है अने ते थोड़ी वार विचारता था कि शू करी शकाय थानेदार साहेब बोले इसकी FIR लिख कर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता लेकिन सॉरी फिलहाल चिंता इस लड़के की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए એટલે પોલીસ એવું કહેતા હતા કે FIR લખીને આના મા બાપને તો હવાલતમાં બંધ કરી દેત પણ અત્યારે તો ચિંતા છોકરીની છે કે આપણે શું કરી શકીએ છીએ આનું શું કરી શકે આનું શું થશે કારણ કે જો મા બાપનું FIR કરે તો પછી જેલમાં પૂરવામાં આવે તો છોકરીનું શું થાય એટલે આ વિચાર હતો એક છોટી સી ચુપ્પી કે બાદ વે એકાએક બોલે એકદમ શાંતિ પછી એકાએક બોલ્યા તુમારી શાદી હો ગઈ હૈ એટલે કે જે તારા લગ્ન થઈ ગયા છે મેને ન મેં સિર હિલાયા એટલે ના પાડે કે ના મારા લગ્ન નથી થયા तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते एटले पुलिस कहे कि तू आन जोड़े लग्न केम नहीं करते मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया किंतु कुछ पल के बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए एटले आओ आकस्मिक प्रस्ताव आयो अचानक जो प्रस्ताव आप्यो तो थोड़ू एमनू ध्यान से आकड़ व्याकड़ थी गयों के शू जवाब आपवो हा आपवो के ना पाड़वो अने त्यारे थयुं के हाँ आमां खोटू पण शू छे एटले पछी सामेथी पुलिसवाड़ाने कहे कि तमे छोकरीने तो पूछी लो इससे तो पूछ लीजिए एटले छोकरीने तो पूछी लो एनी हा छे के नहीं थानेदार ने उसे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया एटले पुलिसे पूछ्यू तो तेने माथू धूणावीने हा पाड़ी दीधी लेकिन एटले मोहन कहे छे पण लेकिन क्या मोहन एटले कहे छे लेकिन शू मोहन पण शू मोहन बाबूजी लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही ए कहे छे कि पण मारा भाभी छे ते मारा लग्न तेमनी बहेननी साथे करावा इच्छे छे तय हो चुकी है कि जी बात नक्की थी गई है फिर पची बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा
वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इसे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी। એટલે અહીં આકડી એવું વિચારે છે કે ભાભીની બહેનની સાથે તો કોઈ પણ લગ્ન કરી શકે છે, કોઈ પણ સારો છોકરો તેને મળી જશે, પણ આ જે છોકરી છે સુંદર પણ છે અને એનું જીવન પણ ખતરામાં છે, મુશ્કેલીમાં છે। જો આની સાથે લગ્ન નહીં થાય અત્યારે તો એના માતા પિતા છે તે આધેડ સાથે તેને વેચી કાઢશે। એટલે કહે છે કે આ ઓળખીતી પણ છે, પરિચિત પણ છે, અને સૌથી મુખ્ય વાત એ છે કે તે સંકટમાં છે। આની સાથે લગ્ન કરવું તે અતિશય માનવીય કાર્ય છે, ઘણું માનવીય કાર્ય છે, આમાં માનવતા રહેલી છે એવું વિચારે છે। પછી કહે છે લેકિન પણ ફિર લેકિન પણ પછી શું થયું એમ કહે છે। હા, અબ સમસ્યા યહ કે વિવાહ એકદમ તો ન હો જાયગા। હવે મુશ્કેલી હતી કે એકદમ તો લગ્ન ન કરાય, યદી લડકી ઘર ગઈ તો ફિર વહી બેચ દઈએ જાને કા સંકટ થા, કે છે જો છોકરી ઘરે ગઈ તો સીધું વેચાઈ જવાનું સંકટ હતું। મેં સાથ લે જાઉં તો ભૈયા ભાભી તો નારાજ હોગી, ઇસકે માં બાપ મેરે ઉપર લડકી ભગાને કા કેસ કર દેંગે। એટલે કહે છે કે હું આને સાથે લઈ જઈશ તો મારા ભાઈ ભાભી છે તે પણ ગુસ્સે થઈ જશે, અને કહે છે કે મારા મા બાપ નથી અને મારા ભાઈ ભાભીએ મને સાચવ્યું છે, એટલે નારાજ તો થવાના જ હતા, એ તો સ્વાભાવિક હતું। પણ સૌથી મોટી મુશ્કેલી હતી કે જો અત્યારે લગ્ન કરીને લઈ જશે તો છોકરીના જે મા બાપ છે ને એ છોકરા ઉપર કેસ કરી દેશે કે આ છોકરીને ભગાડીને લઈ ગયો છે। જબ મેં થાનેદાર કે સામને યહ સમસ્યા રખી તો વે બોલે કુછ દિન કે લિએ ઇસે નારી નિકેતન મેં રખવા દેતા હું, લડકી સે મા બાપ કે ખિલાફ શિકાયત લિખવા કર રખ દેતા હું। એ જો કે થોડા દિવસ માટે આને નારી નિકેતનમાં જાગડી નારીઓનું સ્ત્રીઓનું સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે, સાચવવામાં આવે છે, તે નારી નિકેતનમાં એમને રાખવામાં આવશે, અને પછી આ જે છોકરીના મા બાપ છે જે વેચવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હતા તેમની ફરિયાદ એ લખી કાઢશે। 15 દિન બાદ ઉન્હોને મંદિર મેં ઉસસે મેરી શાદી કરવા દી। 15 દિવસ પછી પોલીસે આ છોકરી જોડે મોહનને લગ્ન કરાવી દીધા હતા। મેને કહા મોહન એસે થાનેદાર કહાં હોતે, કહે છે કે આવો પોલીસ વાળા ક્યાં હોય છે, મુજે તો ઇસ ઘટના પર વિશ્વાસ જ નહીં હો રહા, લગતા હૈ કે કથા સુન રહા હું, કે છે મને તો વિશ્વાસ જ નથી થતો, લાગે છે કે હું કથા સાંભળું છું। આપ સહી કર રહે હૈ, કહે છે કે તમે સાચું કહો છો બાબુજી, લેકિન યહ થાનેદાર કવિ ભી હૈ, કહે છે કે આ જે પોલીસ વાળું છે તે કવિ પણ છે, કવિ સંમેલનોમાં કવિતા પઢતા હૈ, કવિ સંમેલનોમાં કાવ્ય કવિતાઓ વાંચે છે, ઓર ઇસકી કવિતા એ માનવીય સંવેદના સે ભરી હોતી હૈ, અને આની જે કવિતાઓ છે બધી માનવતાના સંવેદના સાથે ભરેલી હોય છે। હા તબ ઠીક હૈ, કે હા તો ઠીક છે, વાત સાચી છે ભાઈ, હર ક્ષેત્રમાં કોઈ ને કોઈ મસીહા દિખાઈ પડી જતા હૈ। હા તો એટલે કહે છે કે કોઈ ને કોઈ ક્ષેત્રમાં કોઈ ને કોઈ મસીહા એટલે કે દેવદૂત દેખાઈ જ આવે છે, કોઈને કોઈ દેવદૂત મળી જ જાય છે। પછી કે હા પછી કે છે તબ યહ કે મેરે ભાઈ ભાભી મુજસે ખપા હો ગયે ઓર હમે ઘર સે નિકાલ દીયા, પછી એ થયું કે મારા જે ભાઈ ભાભી હતા તે ખૂબ જ નારાજ થઈ ગયા, ખપા થઈ ગયા અને મને ઘરમાંથી નિકાળી દીધા। એક તો મેને ઉસકી સાલી સે શાદી નહીં કી, દૂસરે જિસ લડકી સે શાદી કી વો કિસી ઓર જાતિ કી હૈ। અહીંયા મુશ્કેલી એ થઈ, એક તો તેમને સાડી સાથે લગ્ન ન કર્યા, જેની સાથે લગ્ન કર્યા તે બીજી જ્ઞાતિની હતી, તો તુમ લોગ ગ્વાલિયર આ ગયે, એટલે કે ચેતો તું ગ્વાલિયર આવી ગયો। હા બાબુજી, આગ્રા મેં અમારા નિર્વાહ હોના કઠિન થાકે છે, આગ્રામાં અમારો નિર્વાહ થવો, જીવન નિર્વાહ થવો થોડો અઘરો હતો, પરાય શહેર મેં ભલે કોઈ અપનાપન ન હો, યહ પરાયાપન ઉસ અપનેપન સે અચ્છા હૈ ના, જો દિન રાત અપ્રતિરેક વ્યવહાર બનકર તન મન કો ઉદ્વિગ્ન કરતા રહે। બહુ મોટું વાક્ય છે અહીંયા કીધું એ કે બીજા શહેરમાં પારકા શહેરમાં ભલે રહીએ ઝઘડી આપણું કોઈ જ પોતાનું નથી, પણ એવા પોતાનાપણાથી સારું છે જે સાથે રહેવા છતાં દિવસ રાત અયોગ્ય વ્યવહાર બનીને આપણા તન અને મનને આપણા શરીર અને મનને વ્યાકુળ કરે। એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે જો અમે આગ્રા રહેતા ભાઈ ભાભીની સાથે અથવા તો આગ્રા શહેરમાં રહેતા તો આ છોકરીના મા બાપ પણ ત્યાં ઘડી હતા, જેના લીધે અમને સતત તેમના અવ્યવહારના લીધે અયોગ્ય વ્યવહારના લીધે મન વ્યાકુળ રહેતું હતું, અને આવું પોતાપણું શું કામનું। એટલે કહે છે કે એના કરતાં જે પારકાપણું જે આ પારકું શહેર છે તે સારું છે અમારા માટે। હા સહી કહે રહ્યો, કે છે હા વાત સાચી છે, તો અહીંયા કોઈ નોકરી તો રખી નહીં હતી, એટલે કે જે અહીંયા તને કોઈ નોકરી મળી નહોતી, બસ ઓટો કા દામન થામ લીયા ને બસ મેં ખાલી આ રિક્ષા ચલાવી લીધી, રિક્ષાનો સાથ લઈ લીધો ઓર કિસી કે સહારે ઓર ઇસી કે સહારે ચલ રહા હું, કહે છે કે હું આના સહારે ચાલુ છું, એટલે કીધું કે અહીંયા તો કોઈ નોકરી હતી નહીં એટલે મેં આ રિક્ષા લઈ લીધી, ના રિક્ષાના સહારે છું હું અત્યારે ચાલુ છું। વાસો મેં તું બહુ બડે મોહન, એટલે કહે છે પેલા કે વાસોમાં ખરેખરમાં તો તું ઘણો મોટો છે, બડે બડે લોકો તો નારી હિતમાં બડે બડે લેક્ચર દેતે, કે મોટા મોટા લોકો તો નારીના હિતમાં સ્ત્રીઓના હિતમાં મોટા મોટા લેક્ચર આપે છે,
लेख कविता लिखते लेखों ने कविताओ लखे छे किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते पण ते पोताना व्यवहार में नहीं उतारता। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया, मतलब ते तो घणो सहज भाव थी एक छोकरी ने दुर्दशा थता बचावी ली थी और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया अने पोताना जीवन में तेने सम्मानपूर्वक लगावी पण दीधो। बाबूजी इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला, कहे कि हाँ मैंने आ काम थी घणो संतोष मिलियो। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है, कहे कि मैं तो खाली एक बार तेनो उद्धार करो तेने संकट में बचावी है ते तो कायम मैंने संकट में बचावती रहे। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया, कहे कि एनी आ जो बात थी आज जो कथा थी जो वार्ता थी तेना जीवन की जो घटना थी अमरा हृदय पर मन पर छवाई गई अने घणो ज मोटो अमरी सामे बनी गयो हतो। गाड़ी का समय हो रहा था, गाड़ी नो समय थई रह्यो हतो। मोहन अमे लेकर स्टेशन आ गया, मोहन अमने लेने स्टेशन आवी गयो। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला रहने दीजिए बाबू जी, 500 रुपया नी नोट मोहन आप तो हतो पण तेने कीधुं रहेवा दो बापू जी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी दे रहा हूँ, कहे कि आ तारू परिश्रम अने मेहनत नी कमाणी छे, हूँ कोई दान नथी आपतो। बाबू जी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कहे मैं माँ बाप नो प्रेम नथी मेळव्यो, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए, काल थी ज मने लागे छे के मने माँ बाप मळी गया। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है, पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ, कहे कि आनी आगळ पैसा नो कोई सुख नथी, पैसा तो हूँ बीजा पासे थी कमाई ज लऊं छूं। बेटे लेकिन मेरे भी तो सोचो, कहे कि मारू तो विचार, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, कहे कि हूँ छोकरा मारा छोकरा शोषण कई रीते करी शको, एटले कहे कि मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, कहे कि हूँ छोकरा शोषण कई रीते करी शकू छू। लेकिन यह तो बहुत है, पर कहे आ तो बहुत वधारे छे, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। एटले मोहन कहे कि हूँ आटला बधा पैसा लीस तो तमारू शोषण हूँ करीश एम। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। आ सांभळीने तेने 500 नोट लईने 300 पाछा आपवा लाग्यो। बोला मुझे इतना पराया न कीजिए बाबू जी, हाँ जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, कहे कि मैंने आटलो बधो पारखो तमे ना करो बापू जी, हाँ जारे पण तमे ग्वालियर आओ त्यारे मने बोलावी लो छो, मारो फोन नंबर तो तमने छे ज, लेकिन मेरी एक शर्त है। एटले पेला कहे कि हाँ हूँ आईश अने तमने फोन करीश पण मारी शर्त छे। वह क्या बाबू जी, एटले पेलो मोहन पूछे छे शू बापू जी, एम ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, कहे कि आ 500 रुपया तारे चुपचाप लेवाज पड़से। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, पेला जे 300 धरतो हो तो पोताना खिस्सा में मूकी दीधा। जैसे कह रहा हो यही कैसी शर्त आपने रख दी बापू जी, ने पची कीधु कि आवी केवी शर्त तमे रखी दीधी। कुछ क्षण बाद बोला, थोड़ा समय पची थोड़ा क्षण पची बोलियो, बापू जी आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूँ क्या, एटले पूछे छे कि तमारो फोन नंबर तो मारी पास आवी गयो छे, हूँ तमने क्यारेक क्यारेक फोन करतो रहो। हाँ हाँ भाई शौक से मुझे अच्छा लगेगा, एटले पेला कहे छे कि हाँ चोक्कस मने सारू लागशे, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, एने पछी कहे छे मैं तो तमारू नाम पूछ्यू ज नहीं, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना, एटले कहे छे अहीं आगळ कि हूँ सत्यकेतु छू, जेने बाबूजी करतो हतो तेनुं नाम शुं छे सत्यकेतु, अने जेने अम्मा कहेतो हतो तेनुं नाम छे कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँख में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा, अने जारे अमे स्टेशन थी अंदर जवा लाग्या त्यारे जाने तेनी आँखों में एटलू बधुं पोतानापणुं हतुं अने पोतानापणानी नजर साथे अमने जोतो हतो। अने ते आंगळी वार्ता पते छे, आमांथी कई रीते मुश्किली ते सहन करे छे ते वर्णवी छे અને કઈ રીતે તે નારીનું સન્માન જાળવે છે અને તેનું રક્ષણ કરે છે તેની માહિતી આપી છે। શબ્દાર્થ અને મુહાવરે જોઈ લઈએ, ઘણો સારો પાઠ હતો। યાત્રા ભીરુ યાત્રા સે ડરને વાલા, અંટ શંટ મરજી સે આય જૈસા નિરંકુશ, આશ્વસ્તિ આશ્વાસન તસલ્લી વાંછિત ઈચ્છાનુસાર ઇંતજાર પ્રતીક્ષા વાટ રાહ અતિરિક્ત ઉપરાંત છેડના ઉકસાના ખુસટ અપ્રિય અધેડ આધેડ ઉમ્ર કા પ્રૌઢ हवालात जल अहम बात मुख्य बात प्रीतिकर मन भावन संवेदना पीड़ा मसीहा देवदूत उबारना बचारना से बाहर निकालना मुहावरे पाला पड़ना संबंध जुड़ना चुप्पी सा छा जाना शांति छा जाना असमंजस में पड़ जाना द्विधा में पड़ जाना क्या करूँ क्या न करूँ यह समझ में न आना निभा होना घर खर्च निकालना उद्विग्न करना पीड़ा देना।